नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त तनय दे और मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ हाला कंपनी की तरफ से एक डिजिटल वॉच जो कि काफी सस्ता आता है और फ्लिपकार्ट पे आता है और काफी अच्छा खासा सेल हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे भी मंगवा लिया। और चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं बॉक्स कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का पैसे से खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही खुद का पैसे से खरीद के मैं रिव्यू करता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में से क्या निकलता है, ये वॉच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा ये वॉच अनबॉक्सिंग, तो पहले एक बार पहन लेते हैं उसके बाद ही बात करते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हो, एक बार पहन के आप लोगों को दिखा देते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा हाथ में कैसे दिखेगा। देख सकते हो ऐसे दिखेगा और अच्छा खासा, मुझे तो अच्छा खासा प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मुझे तो अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी है और काफी अच्छा लग रहा है, फील भी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा है। देख सकते हो, और इसका डायल साइज 35mm के ऊपर है, ठीक है, 35mm के ऊपर और 40mm के नीचे, ठीक है। इसका तो आप लोगों के हाथ के रिस्ट के हिसाब से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। पहले ही आते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा दिया गया है और इसका जो फिनिशिंग है, मैं तो सरप्राइज हूँ जो इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा फिनिशिंग दिया गया है। एक भी कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये एक चीप क्वालिटी का चीप प्राइस में आता है, ठीक है। ये 300 के अंदर इसका प्राइस रेंज है, तो 300 के अंदर इसमें जो बिल्ड क्वालिटी दिया गया है काफ़ी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इसे रेटिंग दूंगा 10 में से 10, ठीक है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है सुपर है, 100% ले सकते हो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। और इसका उसके बाद आते हैं इसका डिजाइन एंड क्वालिटी। इसका जो डिजाइन देख सकते हो, एक कैसियो का जो रेट्रो जीसॉक आता था उसका ही कॉपी है, ठीक है। एक काफी पसंद किया जाने वाला एक वॉच है और काफी अच्छा बिकता है इस टाइप का वॉच, ठीक है। और इसका जो डिजाइन दिया गया है काफी अच्छा है, देख सकते हो एक नियॉन कलर का स्ट्रैप दिया गया है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का डायल जो कि काफी अच्छा मैचिंग हो रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी ब्लैक कलर का, पूरा डिस्प्ले ब्लैक कलर का है, ठीक है। और इसका डिजिट का जो सिंबल है, डिजिट भी काफी यूनिक दिया गया है जो काफी अच्छा है। डिजाइन के मामले में भी ये वॉच 100% आप ले सकते हो, ठीक है। डिजाइन भी अच्छा खासा है, डिजाइन को भी मैं रेटिंग दूंगा तो 10 में से 10 इसको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका फीचर्स। तो ये जो वॉच देख सकते हो, ये 300 के अंदर एक वॉच है, तो इसमें तो नॉर्मल सा ही फीचर्स है, बट इसमें एलईडी बैकलाइट यूज किया गया है, ठीक है, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। जो महंगा महंगा वॉच आता है उसमें भी एलईडी लाइट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एलईडी लाइट कंपनी की तरफ से दिया गया है जो कि काफी अच्छा है, देख सकते हो, और काफी ब्राइट है। और इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है, विजिबिलिटी काफी अच्छा
आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी अच्छा है। और इसमें नॉर्मल सा स्टॉप वॉच, अलार्म और टाइम डेट यही दिखाएगा, ठीक है। बट क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। फीचर्स और एलईडी लाइट के कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी आता है, बट वाटर रेजिस्टेंस एक कम है, ठीक है, 30 mm के आसपास इसका वाटर रेजिस्टेंस है। बट इसे पहन के आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा बारिश में भी जा सकते हो, ठीक है, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। वॉच तो काफ़ी अच्छा है और इसका स्ट्रैप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। स्ट्रैप क्वालिटी देख सकते हो, स्ट्रैप क्वालिटी सिलिकॉन मटेरियल्स नहीं है, बट स्ट्रैप क्वालिटी का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। और इसका वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों को परेशान होगा हाथ में ज़्यादा देर तक पहनने से, ठीक है। तो परेशानी तो कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और काफ़ी कंफर्टेबल है, आप 100% ले सकते हो। इस वॉच को मैं रेटिंग दूंगा, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्ट 10 में से 9.5 इसको रेटिंग दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छा वॉच है। और इस प्राइस रेंज के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वॉच आप लोगों को नहीं मिलेगा, स्कैमी भी नहीं प्रोवाइड करता है इतना अच्छा इस प्राइस में वॉच, ठीक है, कोई भी कंपनी नहीं देता है, ठीक है। इस प्राइस रेंज मैंने तो हालांकि बहुत सारे वॉच रिव्यू किया था, ठीक है, बट इस वॉच, ये जो वॉच मैंने आज मंगवाया था, इस वॉच ने अच्छा खासा क्वालिटी दिखाया कंपनी ने, ठीक है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा ये वॉच, ठीक है। आप 100% ले सकते हो, इसका स्विच क्वालिटी भी अच्छा है, एक यूनिक सा है, ठीक है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये चीप क्वालिटी 300 के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है और इसमें LED भी है, ठीक है। तो ये वॉच 100% ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, 100% आँख बंद करके ले लीजिए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाता रहता हूँ, और अभी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर भी नहीं है, ठीक है, मेरा खुद का पैसे से खरीदे हुआ प्रोडक्ट है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके, और अनबॉक्सिंग के बाद क्या निकलता है वो करंट एक रिव्यू आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर खरीदते जाओ फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा, बॉक्स में से क्या निकलता है ये सब देखने में एक हेल्प हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यही बड़ी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आपको कमेंट करिए, मैं आंसर जरूर दूंगा। और इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।